संसदीय जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर बदली अपनी प्रोफाइल। देखें वायो में क्या लिखा। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद से कांग्रेस ने हर मोर्चे पर भारी आक्रोश जताया है। बीते दिन खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार का जमकर घेराव किया और कई गंभीर आरोप लगाए। इस बीच अब कांग्रेस नेता ने अपने ट्विटर बायो में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने अकाउंट के बायो में डिस्क्वालिफाइड MP जोड़ दिया है। दरअसल राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद अब उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बायो अपडेट किया है। अब उनके ट्विटर अकाउंट के बायो में संसद की अयोग्य सदस्यता के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उनकी सदस्यता के बारे में भी जानकारी दी गई है। राहुल गांधी ने बीते दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकतंत्र पर हमले का जिक्र करते हुए अडानी विवाद को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर यह सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है, उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में, कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। आपको बता दें कि गुजरात की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने पर राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद गांधी ने अपना सांसद का दर्जा भी खो दिया। राहुल गांधी ने 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।